बाबा जी की मानते हो अपनी सेहत का राज नूं ते किन्नी तुहाडी उम्र जिहड़ी हैगी आ? असी आपकी जिहड़ी जिंदगी का सवाब करिया जी, असी कोई नशा नहीं करिया। गौ माता नूं माता गिणदे सी, असी माता दा मास के नहीं खाया। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦਹਿਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਛੜ ਪਾਣੀ ਬਚੇ। ਜੈਂਦਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਦੇਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ फौजा राम की काफ़ी चर्चा सुनी जा रही है, उसकी जानकारी लैन दे लई असी पिंड भाई देसा पहुँचे हाँ बजुर्ग दे कोल। साढ़े नाल ने बजुर्ग, गल करांगे कि सेहत का राज की है तो किन्नी उन्हां दी उम्र है। सत श्री अकाल बजुर्ग। सत श्री अकाल जी। बाबा जी की मानते हो तुसी अपनी सेहत का राज नूं ते किन्नी तुहाडी उम्र जिहड़ी हैगी आ? साडी उम्र 116 साल की हो गई है। असी आपकी जिहड़ी जिंदगी का सवाब करिया जी, असी कोई नशा नहीं करिया और कोई बाहर से असी आवा तवा बात नहीं करी। अपने सबर संदोक नाल बैठे रहे हैं, सबर संदोक का ही खाधा, सबर संदोक नाल ही रहे हैं। दूसरे नंबर से जेडे नशे है जी, नशा असी कोई करया नहीं। जेड़ा नशा नहीं करया उसी करके मेरी देह का कुछ संभाव ठीक है, मैं अपने आप से ठीक हाँ जी। जाने मेरी शरीर तो कमजोर हो गया और मेरी बीमारी कोई नहीं है। दूसरा नंबर ये चीज़ है कि जो पाकिस्तान के बच्चे असी उत्थे रहे हैं, मारे टुके वे गड्ढे सारा कुछ ही होया जी, मुसलमानों ने मारिया मुड़िया भी है। तो जाने उस टाइम के बच्चे उत्थे साडे जिहड़े मुसलमान भाई अपने चंगे जी, बहुत तगड़े तगड़े मतलब बंदे सन, उन्होंने सानू जी उत्थे इकट्ठा करिया। उन्होंने ये कहा भी हिंदू भाई हो तुसीं, ऐ करिया जे अपने हिंदू दे हिंदू रहा जे, मुसलमान ना होया जे। उन्होंने महाराज सानू गाइयां दा मास वढ़ वढ़ के देना, असी खाधा नहीं। असी गऊ माता नूं माता गिणदे सी भी असी माता दा मास किवें खाईए। लेकिन उत्थे असी इकट्ठे हो के जिहड़े उन्होंने जट खरल सी उह राज दे पिंड चामरा तहसील समुंदरी जिला मिलटकुमरी थाणा बालक पिंड दे विच असी, उत्थों दा मेरा जन्म है ते उत्थे असी जी रहे बहुत चिर। सानू जिहड़े पिंडां दे विच कल्ले कल्ले दो दो चार चार दस दस घर बैठे जी ना, उन्हां नूं भी चक के उन्हां नूं इत्थे आ के पिंड लिआंदा, उत्थे लिया के इकट्ठे करके कुछ उत्थे करे, कुछ अपने पिंड नियामी और मियाँ चिराग दीन, वो मियाँ चिराग दीन जिहड़ा सी वो बंदा बहुत तगड़ा सी। कुछ उन्हें उत्थे जट की जिमीदार की होर कोई साड़ी कौम का बंदा सी, उन्हें उत्थे इकट्ठे कर ले। अच्छा उत्थों इकट्ठे करके महाराज उदों बाद उन्होंने अपने मिलटरी नूं ऐलान दे दिता, मिलटरी आके सानूं लैके आ गई। असीं ऐ तुरदे आए हैं, कोई मिलटरी नहीं आए, आपका माल डंगर जिमीदारा ने गड्डे लैंदे, साढ़े कोल बोतियां आउंदियां, बोतियां दे अपने खाण पान लिआंदा ते बस इसेरा करके हिंदुस्तान च आ गए। हिंदुस्तान दे विच भाई साहब असी आ फाजल की हैर नंगे हाँ, तो इधर आ के सानू अपने गौरमेंट ने कैंपां दे विच अनाज नूं मतलब राशन पानी दिंदे रहे, असी कई दिन उत्थे बैठे रहे। उदों बाद सानू इन्हां ने महाराज इह अलाटमेंट कर दित्ता जिला इह फतेहाबाद तहसील फतेहाबाद, ये आके असी जी महाराज बैठे। साढ़े जोड़े जी से नहीं जो पाकिस्तान आए हुए, उन्होंने इतने आके जी जी नहीं लाया, ना अन्न पानी उन्होंने पहुँचाया, जोड़े पानी से ना सानू पशु पानी बचे। इतने आके जिन्हें असी हिंदुस्तान पाकिस्तान च नहीं मरे, जिन्हें साढ़े पिंड बंदे मर गए, आखिरकार के अं छ तुर पे जी, तुरे हुए इतने पंजाब के माज तुर फिर के आपका टाइम पास करके इस तरह रहे असी है जी। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਊ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਟੁਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁਆਣਾ, ਟੁਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦਹਿਤੀ ਸੀ, ਰਾਖ ਸਨ ਮਹਿਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂਮ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟੁਆਣੇ,
इतने भी आकर उन्होंने जायदाद इस तरह मिली हुई राजे महाराजे ने बिल्कुल तगड़े न हो, लेकिन उत्थे सारे जिन्हें भी इस तरह होए ना वो अपने अपना पता लग गया भी आप मरांगे तो बचते नहीं हो ना सानू कोई छड़े। फिर कट्ठे हो जी आखिर ते कई अद्धे अद्धे जी मरा के किन्नी उम्र सी तुहाडी उदों बजुर्गो जो ये लड़ाई चली सी? जो लड़ाई चली है सन 1947 दे विच मैं मतलब 36-39 साल का पूरे जवान सी जी पूरी आपदे उधर उधर ही मर वड़ टुक वड़ देखिया कर व्याह इत्थे आके करवाया पाकिस्तान च हो गया जी मेरा व्याह। मेरा पहला तरिया सी मुड़ के हल जले दा ऐलान पै गया 5-7 साल अं लंघ गए फिर जाके ब्याह होया उस सन मतलब 47 इधर आ गया सी 47 तो पहला ब्याह हो गया मेरा 45-46 च जाने बाल बच्चा साढ़ा मतलब इधर आके होया ऐ होया जी सन तो ऐ लोगों से भी मरा के बचते जाते तो है नहीं कोई कोई जिंदा नहीं पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान से जाता ऐ सी सानू लोगों को बड़ी बेहौसली सी। उस तो बाद गए हो पाकिस्तान कोई जम गए नहीं असी कोई नहीं गए महाराज एवं झूठ मार दिए तेन अच्छे इतने आ गए आपके बाल बच्चे पाली जाने और की कुछ नहीं गए असं दिल नहीं करता भी थोड़े पुराने जो कोई यार बेली उत्थे दिल नहीं करता दिल कि नहीं करता महाराज जी कोई जायदाद नहीं छड़ के आए जायदाद वाला तो कोई करता होना भी साड़ी उत्थे जायदाद सी जां ऐ सी साडे कोल की जायदाद सी जी अच्छे तो भाई उत्थे भी करके खाधी इत्थे भी करके खाई जांदी ठीक है कि नहीं। हाँ ये जरूर है मेरी ये प्रार्थना हरेक अगे कि नशा तो रहे तो नशा से कंट्रोल करो नशे ना खाओ नशे अपन बर्बाद कर रहे ना नशे जायदाद नू बर्बाद कर रहा नशा अपनी इज्जत नू बर्बाद कर रहा नशा अपनी देह नू बर्बाद कर रहा ये नशा माड़ी चीज़ है। मैं आपके बच्चों भी कहना आम जिहड़े मेरे को इत्थे कोई आके बह जाता बाबे की कथा सुनने वास्ते मैं उन्होंने भी यही कहना भाई नशा तो रहते रहो। जी तुसी उम्र क्या जी 116 साल की उम्र आता तुसी जिहड़े जिवें आधार कार्ड हो गए जां वोटर कार्ड उहदे ते उम्र पूरी क्यों नहीं लिखी गई फिर उहदे घट क्यों लिखवाई गई हैगी है की कारण रह गया इहदे विच? ठीक जदों असीं इधर आउने आ सानू तां इह नहीं पता कोई कमीज़ वी उम्र लिखी जांदा कोई किन्नी असीं कागतां च नहीं सी कागतां तों बाहर सी जदों साडे कार्ड बोर्ड जिथे कोई बने न उहदे जिवें जिवें कोई आया उवें उवें जे किसे लिखा हुण साडे जिहड़े बच्चे न साडे बच्चों दीआं उमरां गलत लिखियां होईआं वो असी हूँ ठीक करवा रहे हैं मतलब तो साढ़े ये भी सानू इस गल का पता ही नहीं कि कुछ होंगे जो कि लिखा होना किमें नहीं लिखा आह ही रौला है बस चेता हूँ ठीक रहा ने कोई दवाई खाते हो मोजा चलन मैं कोई दवाई नहीं खाता कोई नशा नहीं करता कोई लैन नहीं देन नहीं लेकिन ठीक रही मेरी सेहत सेहत ठीक है जाने कमजोरी जरूर आ गई मेरे शरीर से तुरया नहीं जाता हूँ मेरे को और कोई नहीं लगे भी सप्प का इलाज तो पहला बजुर्ग भी करते हम तुम भी करते हो गए वो फ्री दवाई दिनों का कोई जी फ्री है जो कोई आपकी शहदा नाल दे गया नहीं तो रहो राजी ठीक है ना फ्री कर दें इस इलाज का ना सारे पिंड बच्चे बच्चे पता यू राठी भैनी सदा संवाला सुखा संवाला भाई देसा ये चार पिंड के विचाले असं बैठे इन्होंने सब पता इतने आते जाते रहने कोई भी सप्प कहे भी कटाई हो मालिक की कृपा नाल इतने इतने मालक की कृपा ना भैनी दे विचों दो चार मरे हुए चक के लिया वो भी ठीक हो गए पर करिया मालक ने मैं नहीं किसी का कुछ करे हूँ आप बड़ियाई मारी जो मैं भुलिया बन गया जो मैं पकंबर बन गया जो योधा बन गया नहीं उस मालक की कृपा वो जी थानू फोटो दिखाई थी ना उन्हों की कृपा है जी जी भी हाँ बिल्कुल ये सन बजुर्ग भाई देसे तो जिन्होंने अपनी सेहत के राज बारे दस्या गा कि नशा की दल दल तो हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए तो खाण पीन दियाँ जो मिलावटी वस्तुआं आ रही ने उन्हां करके भी जिहड़ा सेहत का नुकसान हो रहा है उत्थे इन्होंने दस्या गया कि हिंदुस्तान की बण तो पहला पाकिस्तान के विच रहिंदे सीगे अपने परिवार के समेत तो उस तो बाद आके जिहड़ा इत्थे मानसा जिले के विच इन्होंने अपना रहन बसेरा किया गा। कैमरामैन भुपिंदर दे नाल अमरजीत सिंह सांझा टीवी मानसा। प्लीज सबसक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बैल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसे बिल्कुल भी मिस ना करो।